यहाँ पर थोड़ा प्रेशर आ गया यहाँ पर प्लेयर है जानती है कि ऐसी सिचुएशन से कैसे निकलना है बड़ी पता है पटना गेम पे यहाँ पे दो बच्चा खेल रहा है और लेकिन दिखा दिया परेशानी है यहाँ पर रमेश का टैकल बदला नहीं दिला पाए शानदार प्लेयर है यहाँ के बहुत बढ़िया खेला था अच्छा मल में जब एक टूर्नामेंट मैच हुआ था यहाँ पर उनके स्कूल के साथ बहुत बढ़िया खेला था जब पहले हाफ में आपकी टीम 5 पॉइंट पीछे थी तो आप कुछ डर था कि नहीं कि हम हार सकते हैं तो क्या कहना चाहेंगे कुछ लग रहा था नहीं क्या पता हम हार ना जाएं कुछ प्रेशर फील हो रहा था आपको गेम में जी सर मैं आपको बोलना चाहता हूँ जो पहला मैच हुआ हमारा तो उसमें से थोड़ी हमारे प्लेयरों में टैकल की कमी थी और मैं बहुत ही डर गया था मैंने सोचा था कि आज हम फाइनल हार जाएंगे तो दूसरी टीम में आपको कोई लग रहा था हाँ यार ये प्लेयर बहुत बढ़िया है इससे थोड़ा डर के रहना पड़ेगा इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि हाँ कोई प्लानिंग वगैरह बनाई थी उसके खिलाफ स्ट्रेटेजीज वगैरह कोई मूव जी सर हमने बहुत सी प्लानिंग बनाई थी जो कि मैंने अपने प्लेयर को बोला भी था और बहुत सारी टैकल उसके बाद अच्छी से की और मैं जीत गया आप अपनी टीम के जीत का क्रेडिट किसको देना चाहेंगे मतलब जिसने आपकी टीम में बहुत बढ़िया खेला किसको देना चाहेंगे आप अपना क्रेडिट वैसे हम कुछ नहीं बोल सकते हैं कि मेरी टीम जो है उन्होंने सबने अच्छा खेला मैं किसी को नहीं बोलना चाहता हूँ कि सबने अच्छा खेला टैकल भी अच्छी की रेड भी सब कुछ अच्छा किया तो इसी से हम फाइनल पहुंचे भी और जीते भी प्रदीप कटोच के बारे में क्या कहना चाहेंगे एक्सपीरियंस प्लेयर है बटरों गए थे यहाँ पे खेलने के लिए बहुत एक्सपीरियंस है उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी इसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस कूट कूट के भरा हुआ है जो कि ये टैकल भी अच्छी करता है रेड भी अच्छी करता है तो लास्ट में एक आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि कबड्डी के क्या क्या फायदे हैं हमारी बॉडी के लिए क्या आप बता सकेंगे मुझे ये जवाब दे पाएंगे मैं बहुत रात दिन सोचते रहता हूँ कि कबड्डी का क्या फायदा है तो आप क्या मुझे बता सकेंगे जैसे कि जब मैं बचपन में 5th में पढ़ता था और मेरे को बहुत ही शौक था कबड्डी खेलने का वहाँ पे ग्राउंड नहीं था वहाँ पे नाला था वहाँ पे हम खेलते थे और वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट हुआ है कि मैं कबड्डी प्लेयर बनूं और मेरे साथ जो साथी है उनको भी मैंने समझाया कि कबड्डी खेली जाए कबड्डी बहुत ही अच्छी गेम है ये तो इसी की वजह से हम आज फाइनल खेल रहे जीत रहे या हार रहे कुछ भी तो आगे इसी से हारे या जीते तो हम सीखते हैं कैसे खेलते हैं तो आप जी हाँ अस्सलाम वालेकुम आदाब अस्सलाम वालेकुम जैसे कि पहले मैच में हमारे 23 पॉइंट्स थे और मेरी टीम ने बहुत अच्छा खेला जो कि पहले छंकार और सोरन इन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट लाए थे और दूसरी टीम में भी बहुत ज़्यादा पॉइंट लाए और मैं आपका एक सुपरस्टार है आपके टीम में सोरेन सिंह जिन्होंने कबड्डी के इतिहास में इससे पहले सिर्फ एक नीरज कुमार थे जिनके आई थिंक वीवो प्रो कबड्डी में 60 टैकल पॉइंट है आज जरूर वो वीवो प्रो कबड्डी तो नहीं खेल रहे हैं सोरेन सिंह लेकिन उन्होंने यहां पर 9 टैकल पॉइंट लिए तो एक दाद देनी पड़ेगी उनके बारे में लेकिन आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी हाँ सोरेन ने बहुत अच्छा खेला लेकिन